हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग UEE यूनिट 1 टाइप्स ऑफ लैंप. टॉपिक इज मर्क्यूरी वेपर लैंप प्रेजेंटेड बाय उत्कर्ष सोनेकर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. नाउ लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस टॉपिक. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मर्क्यूरी वेपर लैंप, टाइप्स ऑफ मर्क्यूरी वेपर लैंप, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, वर्किंग ऑफ हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, अप्लीकेशन ऑफ मर्क्यूरी वेपर लैंप एंड कोर्स आउटकम ऑफ दिस टॉपिक इज टू मेंटेन द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंप एंड फिटिंग. बेसिकली व्हाट इज मर्क्यूरी वेपर लैंप? When mercury discharge under low pressure gives mainly UV radiations, if pressure is increased to 1 or 2 atmosphere, its proportional of radiations is visible, spectrum is increased and we get a light of blush color. Mercury vapor lamps has following types. First is high pressure mercury vapor lamp. And second is low pressure mercury vapor lamp. In this syllabus, we have to learn about high pressure mercury vapor lamp. Now, this is the diagram of high pressure mercury vapor lamp in which you have to see that is AC supply, then choke, AC supply to choke. Then you have to see two electrodes, that is starting electrode and main electrode, and then you have to see that is outer tube and inner tube. Now we have to see that is construction of high pressure mercury vapor lamp. Now first equipment is choke. The choke is acting as the ballast. At the time of supply voltage variation, the current flowing through the inner tube is maintained constant to keep uniform light intensity. इसमें क्या होता है, जो भी करंट फ्लो हो रहा है इनर ट्यूब से, उसको हम कॉन्स्टेंट मेंटेन करने के लिए हम क्या अटैच करते हैं मर्क्यूरी वेपर लैम्प में? चोक. देन स्टार्टिंग रेजिस्टेंस एंड लिमिटिंग रेजिस्टेंस. वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, देयर इज अ आई स्क्वेयर आर लॉसेस विच इज कन्वर्टेड इन टू हीट. क्या होता है, जब भी करंट फ्लो हो रहा है स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आपको डायग्राम में दिख रहा है वहाँ पे, तो वहाँ से क्या होता है, जब भी आई स्क्वेयर आर लॉसेस वहाँ होते हैं वो क्या कन्वर्ट होता है, वो हीट में कन्वर्ट होता है. इफ द टेम्परेचर ऑफ दिस हीट गोज नियर अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस, देन इनर गैसेस आयोनाइजेशन स्टार्टेड. जब भी टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन स्टार्ट होगा. Now we have to see construction is auxiliary electrode and main electrode. दो type के electrode है. क्या करते हैं, the ionization is takes place through the inert gases whenever current flows from auxiliary electrode to main electrode. Ionization की process कब होंगी, जब भी जो भी ionization की process होंगी वो current flow होगा कब, auxiliary electrode से मेन इलेक्ट्रोड तक, तब वहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू होंगी थ्रू द इनर्ट गैसेस. नाउ इनर्ट ट्यूब, द वेरियस इनर्ट गैसेस आर्गन नाइट्रोजन ETC विद मर्क्यूरी पाउडर आर फिल्ड इन द इनर ट्यूब एट 5 to 7 टाइम्स ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर. इनर ट्यूब में क्या होता है, सबको ध्यान रखना है, आर्गन नाइट्रोजन विद मर्क्यूरी पाउडर फिल्ड होता है इनर ट्यूब में. देन आउटर ट्यूब, द फंक्शन ऑफ आउटर ट्यूब इज टू मेक द वैक्यूम सराउंडिंग द इनर ट्यूब टू अवॉइड थर्मल डिसिपिएशन. जो भी वैक्यूम हो रहा है वो अपने को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, आउटर ट्यूब उसको अटैच किया जाता है. बाद में है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर. The function of power factor improvement capacitor is to improve the power factor. Now, this is the diagram of high pressure mercury vapor lamp. Whenever, now we have to see working.
Whenever single phase to 30 volt AC supply is provided to the discharge tube of MVL, that is mercury vapor lamp, initially the current flows from phase to the choke to the starting electrode to न्यूट्रल, यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हो चोक के थ्रू, ठीक है। ये इधर इनर ट्यूब, ये करंट फ्लो हो रहा है चोक के थ्रू इलेक्ट्रोड्स में जा रहा है, देन द स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड और रेजिस्टेंस इज मेड ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है कैसे बना है, वो टंगस्टन फिलामेंट हैविंग मोर रेजिस्टेंस 5 to 10 kΩ, सो दैट Whenever current flows through the tungsten filament, as per the thermal emission, the light is emitted through the filament. ये जो high resistance ही कैसे बना है, tungsten से, और वहाँ पे resistance या तो 5 to 10 kΩ वहाँ से हो रहा है resistance, तो क्या होगा वहाँ पे current flow होगा through the tungsten filament, और वहाँ से क्या होगा light emit होना शुरू होगा। At the same time, the rated voltage is applied in between the main electrode number 1 and main electrode number 2. यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड दिए हैं, दिखा आपको ऊपर और नीचे, आपको दो इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं, तो क्या होगा इस टाइम पे क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड से वोल्टेज पास होगा। ड्यू टू दिस वोल्टेज देयर विल बी कोलिजन ऑफ नियॉन गैस पार्टिकल एंड करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब। इसके वजह से वहाँ पे वोल्टेज के वजह से वहाँ पे क्या होगा, नियॉन गैस का कोलिजन होगा और करंट क्या होगा वहाँ से फ्लो होना शुरू होगा इनर ट्यूब से, डिस्चार्ज ट्यूब। व्हेनेवर टेम्परेचर सराउंडिंग द इनर ट्यूब के अराउंड जो भी टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और मर्क्यूरी पाउडर जो है कहाँ इनर ट्यूब में फिल्ड, जो मर्क्यूरी पाउडर है वहाँ पे क्या होगा वेपराइजेशन की प्रोसेस होंगी, कोलिजन की प्रोसेस होगी, वहाँ पे इनर गैसेस में कोलिजन होगा जिसकी वजह से फुल लाइट इमिट होगा थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब। नाउ द एडवांटेजेस, दैट इज हायर एफिशिएंसी, बेटर परफॉर्मेंस, गुड लाइटिंग क्वालिटी एंड इनिशन ऑफ इफेक्ट इग्निशन इज इफेक्टिव। Application, load lighting, industrial lighting and public lighting. Now summary, in this video we learn about following thing: working principle of mercury vapor lamp, types of mercury vapor lamp, construction of high pressure mercury vapor lamp, working of high pressure mercury vapor lamp and application of mercury vapor lamp. Program outcome of this PPT is this. Thank you.